टक्कर पर क्या नाम है आपका? पिंकी सक्सेना। क्या मांगे आपकी? जी हमारी मांगे जो भी हैं बिल्कुल न्याय उचित हैं। 3 साल से हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी पहली मांग तो ये है कि हमारा वेतन उच्चीकरण करा जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी टेक्निकल काम कर रहे हैं और सारे तरह के टेक्निकल काम करने के साथ हमारा वेतन एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि जो टेक्निकल एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारी पेंशन विसंगति जो है उसको बिल्कुल सरकार को जल्दी से सही करना चाहिए, और बहुत सारी मांगों के साथ हम यहाँ पर हैं। पूरे जिले के हैं यहाँ पर लेखपाल? जी हम लोग पूरे ही बरेली के लेखपाल सारी तहसीलों के यहाँ पे उपस्थित हैं, और सिर्फ बरेली में ही नहीं सारे के सारे यूपी में सभी सदर में तहसीलों में अपना अपना धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या दिवसीय धरना? जी क्या दिवसीय धरना? अभी इस बारे में हमारे प्रदेश से कुछ भी जानकारी नहीं है। जैसा प्रदेश अध्यक्ष कहेंगे वैसा ही हम सारे लोग करेंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती क्या कदम उठाएंगे? जैसा हमारे प्रदेश के साथी लोग कहेंगे, अध्यक्ष जी कहेंगे, वही कदम हम यहाँ पे उठाएंगे। मेरा नाम संजीव सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद बरेली में जिलाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। क्या मांग है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेखपाल संघ अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर 10 तारीख से आंदोलनरत है। 10, 11, 12 तीन दिन हम लोग तहसील मुख्यालयों पर आंदोलनरत थे, और उसके बाद 13 तारीख से हम लोग लगातार जिला मुख्यालय पर आंदोलनरत हैं। सारी तहसीलों के लेखपाल जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं। हमारी जो मांगे हैं 8 सूत्रीय मांग पत्र है, और प्रमुख रूप से उनमें हमने वेतन विसंगति की बात की है, ग्रेड पे को 2800 किए जाने की बात की है जो भी 2000 रुपये है, हमने मोटरसाइकिल भत्ता, स्टेशनरी भत्ता और विशेष भत्ता लेखपालों को दिए जाने की मांग की है समुचित मात्रा में। इसके अतिरिक्त हमने लेखपालों का पदनाम, उपराज निरीक्षक और शैक्षिक योग्यता स्नातक किए जाने की मांग की है। हमने उपराजस्व निरीक्षक नियमावली 2018 को प्रख्यापित किए जाने की और उसको लागू किए जाने की मांग की है, और इसके अतिरिक्त हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें सबसे बेहतर काम अगर कहीं किया गया है पूरे भारत में तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में प्रति खाता लेखपाल को 18 रुपये प्रति खाता भुगतान किया गया, हमारे यहाँ कोई भुगतान नहीं किया गया, हमने यहाँ भी 18 रुपये प्रति खाता लेखपाल को मानदेय भुगतान किए जाने की मांग की है। इन सब मांगों को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं, और इससे पहले पिछले 3 वर्षों में हमारे 4 वर्षों में 3 आंदोलन हुए हैं, और सारे आंदोलनों में जब हम लोग वार्ता की टेबल पर गए हैं माननीय मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री के लेवल पर बात करने के लिए, तो सारी मांगों पर कार्यवृत्ति जारी की गई। कार्यवृत्ति जारी करने के बाद भी आज तक शासनादेश निर्गत नहीं किए गए हैं, इस कारण लेखपाल संघ आंदोलनरत है, और इस आंदोलन को हम इस आंदोलन की परिणति तक जब तक हमें परिणाम प्राप्त नहीं हो जाते शासनादेश के रूप में इसी प्रकार से चलाएंगे। सरकार ने हमारी मांगें मानने के बजाय हम पर ऐसमा लगा करके इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है, लेकिन आंदोलन दबकर दबा नहीं है और मुखर हुआ है। लोग पूरी संख्या के साथ उपस्थित हैं और आंदोलन को परिणाम तक ले जाएंगे। धन्यवाद। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।